guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuff related to it. तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। अब ये पहली बार हो रहा है इस चैनल में कि मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा और उसके ऊपर उस चीज़ का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, तो प्लीज़ देखते रहिए इस वीडियो को और लास्ट तक देखना। अब ये एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये एंटीबायोटिक्स होता क्या है। तो पहले जान लेते हैं इसका टर्मिनोलॉजी। द वर्ड एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंटी मीनिंग अगेंस्ट एंड बायोस मीनिंग लाइफ। अब यहाँ पे लाइफ मतलब किसको रेफर किया गया है? लाइफ मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक काम करने वाला है। अब पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। Antibiotics are chemical substances produced by various species of living organisms which is applied on the living tissues to inhibit the growth of that living organisms. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि antibiotics एक living chemical substance है जो कौन बनाता है, वो bacteria और fungi से ही हम extract करते हैं और फिर वो हम living tissues में लगाते हैं जिससे कि वो bacteria या fungi का growth ना हो। अब डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ ही है, बस डिफरेंस क्या है कि एंटीबायोटिक्स हम लिविंग टिश्यूज़ में लगा सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट आप लिविंग टिश्यूज़ में नहीं लगा सकते। और एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल है पेनिसिलिन, विच इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कुछ एग्जाम्पल्स में आपका है एमोक्सिसिलिन, अफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन भी एक एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ एन एंटीबायोटिक। अब हम जानेंगे अबाउट MIC। MIC क्या है? MIC वो चीज़ है जिससे कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट या फिर पूरा टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो जानते हैं MIC के बारे में। MIC stands for minimum inhibitory concentration. So what is it? The minimum inhibitory concentration is the lowest concentration of an antimicrobial drug that will inhibit the visible growth of a microorganism after overnight incubation. तो क्या हुआ कि एक antimicrobial drug का जो lowest concentration होता है जिससे कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रोक सकता है, उसी को कहा जाता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। अब थोड़ा डिटेल्स में हम इसको समझते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक येलो कलर का बैक्टीरियल कल्चर एक ग्लास के अंदर है। अब मान लीजिए कि मैं आपको बताया कि इसमें अगर आप थोड़ा सा एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये क्लियर सोल्यूशन देगा जिससे कि ये पता चलेगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ बंद हो चुका है। ये जस्ट एक अजम्पशन है, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये जो एंटीबायोटिक है हमको पता नहीं है कि इसका MIC क्या है, तो अभी हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये MIC कैसे होगा। तो आइए हम तीन सिनारियो देखते हैं। अब पहला सिनारियो में आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल कल्चर के साथ मैंने 1 mg एंटीबायोटिक मिक्स किया है जिससे कि वो बैक्टीरिया का ग्रोथ बंद नहीं हुआ, इसीलिए वो बैक्टीरियल कल्चर येलो ही रह गया। फिर अब देख सकते हैं कि सेकंड सिनारियो में जो बैक्टीरियल कल्चर के साथ मैंने 2 mg एंटीबायोटिक मिलाया था और उससे क्या हुआ कि वो बैक्टीरियल कल्चर मतलब वो बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो गया। आफ्टर दैट ये बैक्टीरियल कल्चर के साथ थर्ड सिनारियो में मैंने 3 mg एंटीबायोटिक मिलाया था और उससे भी आपको क्या देखने को मिला कि वो क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें MIC ये मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन कौन सा है? वो 2 mg वाला, क्योंकि वो 2 mg में ही ये बैक्टीरियल ग्रोथ बंद होना शुरू हो गया। अब हम आते हैं कि ये MIC मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप का वेज है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो पहला है डिस्क डिफ्यूशन और दूसरा है वेल डिफ्यूशन। तो ये कैसे होता है, तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ।